तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पर जो रीच है वो 1 मिलियन क्रॉस होने वाली है। एंड ये मैंने कैसे किया है यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोगों को दिखा रहा होगा 8 लाख रीच दिखा रहा होगा, लेकिन मेरी शाम को ही 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है मेरी जो रीच है वो शाम को ही एड होती है। एंड शाम को मेरी जो थोड़ी बहुत रीच है वो एड होते ही 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगी। एंड आप लोग भी अपने अकाउंट पर इतनी रीच कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है वो लगातार अब चेंज हो रही है कुछ दिनों से, इसलिए रीच को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपके इंस्टाग्राम पर जो रीच आएगी वो बहुत ज्यादा ऊपर तक आएगी, बहुत ज्यादा आपका अकाउंट ट्रेंडिंग में चल जाने वाला है। बस वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड थोड़ा सा भी स्किप मत करना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो, मेरा नाम है प्रदीप और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टैग फेयर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसी वीडियोस यहां पर आपको देखने को मिलती है एंड देखने को मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो नंबर वन स्ट्रेटजी आती है पोस्ट कंसिस्टेंटली। आपको पोस्ट जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डेली के डेली अपलोड करनी है। आप लोग ऐसा नहीं करना कि आपने एक पोस्ट आज कर दी तो एक पोस्ट आप लोगों ने 2-3 दिन बाद कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपको पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पर रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस पर अगर आप लोग पोस्ट करोगे तो आपके जो फॉलोअर्स है उनको लगेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव रहते हो, एंड आपकी जो फॉलोअर्स है वो तो आपको लाइक और कमेंट्स करेंगे ही करेंगे। बाकी इंस्टाग्राम आपकी जो प्रोफाइल है उसको एक बूस्टअप देगा एंड न्यू फॉलोअर्स आपकी प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नंबर टू पर स्ट्रेटजी आती है हैशटैग्स। अगर आप हैशटैग्स अपनी वीडियोस में या फिर फोटोज में बिल्कुल सही वाले लगाओगे यानी बढ़िया ट्रेंडिंग वाले लगाओगे तो आपकी जो पोस्ट है या फिर जो आपकी रील्स है वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड जब आपकी रील्स वायरल होगी, आपकी पोस्ट वायरल होगी तो आपकी जो अकाउंट की रीच है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आपको आपकी पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट टैग्स कहां से मिलेंगे तो आपको सिंपली करना क्या होगा, जब भी आप अपनी रील्स अपलोड करते हो तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐड टैग्स का ऑप्शन। एंड जो भी आपकी रील्स है वो जिम से रिलेटेड है या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर लव से रिलेटेड है, उन सभी के हैशटैग्स वहां पर जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सभी हैशटैग्स देखने को मिल जाएंगे। एंड उन टॉपिक्स में से आप 3 टॉपिक को सेलेक्ट कर लो एंड फिर अपनी रील को अपलोड कर दो और फिर देखना आपकी प्रोफाइल पर रीच कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो नंबर थर्ड पर जो स्ट्रेटजी आती है वो है एंगेज विद योर फॉलोअर्स। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल स्ट्रेटजी है आपके अकाउंट की प्रोफाइल की रीच बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट पर जो भी फॉलोअर्स है आपके, अगर आप उनसे सही तरीके से इंगेज नहीं हो पाओगे तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको इंस्टाग्राम बूस्ट अप नहीं करेगा। आप लोगों को करना क्या होगा, जब भी आप कोई पोस्ट या फिर आप रील अपलोड करो तो जो उस पर जो भी कमेंट्स आएंगी उन सभी का आपको रेस्पोंड करना है। जी हां, आप लोगों को रेस्पोंड करना ही होगा, तभी इंस्टाग्राम को लगेगा कि हां ये बंदा जो है ये एक्टिव है एंड जो इसकी कमेंट्स बॉक्स है उसमें भी हलचल हो रही है, तो आपकी प्रोफाइल को एक अलग ही बूस्ट अप मिलेगा। एंड साथ में आप लोगों ने जिन जिन को फॉलो कर रखा है उनकी पोस्ट पर भी आपको लाइक्स एंड कमेंट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा प्रोफाइल के बूस्टअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आप एक अच्छी खासी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज कर पाओगे, जिससे कि आपके जो न्यू फॉलोअर्स हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। सो नंबर 4 पर जो स्ट्रेटजी है वो है कोलैब। जी हां दोस्तों, अगर आप दूसरे यूजर्स के साथ कोलैब करोगे तो पक्का आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रीच बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग जो भी पोस्ट करोगे कोलैब करके किसी के साथ तो जो आपके फॉलोअर्स होंगे उस तक तो आपकी पोस्ट या रील्स है वो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जिसके साथ आपने कोलैब किया है उस बंदे की भी एक अलग ऑडियंस होगी, उसके भी अलग फॉलोअर्स होंगे, उन तक भी आपकी पोस्ट जाएगी एंड भाई आपके जो अकाउंट्स हैं उसमें जो लाइक्स हैं और जो कमेंट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एंड जब आपके पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स मोर देन यूजुअल्स आएंगे तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ इसके अकाउंट पर जो पोस्ट है या रील्स है वो एक अच्छे वे में इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को एक अच्छे तरीके से ही बूस्ट अप देगा। सो नंबर 5 वाली स्ट्रेटजी सबको पता है एंड सबको ऑलरेडी मालूम ही है कि आपको सिर्फ रील्स अपलोड करनी है, यानी कि आपको पोस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रील्स पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रील्स ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप जल्दी से वायरल हो सकते हो, जिससे आप जल्दी से ग्रो हो सकते हो। एंड जब आप ग्रो होने लग जाओगे तो भाई साहब आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रीच जो है वो 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 100 मिलियन तक भी जा सकती है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जिसको चाहे उसको आसमान तक ले जाता है। इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर रील्स को अपलोड करो और आप एक दिन में 2 रील्स अपलोड कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो 3 भी, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 2 ही रील्स अपलोड करो, उससे ऊपर ना करो। एंड नंबर 6 द लास्ट स्ट्रेटजी इज कि आप लोग जो है अपनी इंस्टाग्राम रील्स को टाइमिंग्स के बेसिस पर अपलोड करो, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो आप चेक करो कि कौन से टाइम पर ज्यादा एक्टिव है, और वो चेक करने के लिए आप लोगों को अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है एंड वहां पर टोटल फॉलोअर्स पर क्लिक करना है एंड नीचे जाओगे तो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा जो एक्टिव टाइम
टाइम से आपके फॉलोअर्स का, वहां पर जो भी चार्ट ऊपर को हो रहा है उसी टाइम पर आप लोग अपनी रील्स को अपलोड किया करना, एंड आपकी जो रील्स है वो वायरल होगी, एंड जब रील्स वायरल होगी तो आपकी जो प्रोफाइल है उस पर रीच ऑलरेडी बढ़ी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिनसे आप अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ा सकते हो। एंड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर एक बड़ी ऑडियंस बनाने के लिए, एक अच्छी ऑडियंस बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई एकदम से सब कुछ हो जाए तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना एंड रेगुलर बेसिस पर रील्स अपलोड करना, आपकी प्रोफाइल भी देखना एक दिन आसमान छुएगी। बस छोड़ना मत, छोड़ना नहीं है, जैसे ही आप लोग छोड़ दोगे तो आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। बस छोड़ना नहीं है, डेली की दो रील्स डालो, अच्छे तरीके से डालो, हाई क्वालिटी में डालो, एंड आपकी रील जो है वो वायरल होगी होगी, आपकी रीच इंस्टाग्राम पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो गाइस, बस आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा एंड आपकी जो रीच है वो भी बढ़ी जाएगी। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भाई अगर ऐसी आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।